वरुण धवन जल्द ही सलमान खान की फिल्म जुड़वा के सीक्वल में नजर आएंगे। सोमवार को जुड़वा 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें वरुण धवन के साथ डायरेक्टर डेविड धवन और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला फिल्म से जुड़ी कई बातें मीडिया से शेयर करते नजर आए। सलमान के साथ कैसी थी वरुण की पहली मीटिंग, इसका एक्सपीरियंस वरुण ने मीडिया के साथ शेयर किया। सलमान के साथ पहली मुलाकात के बारे में वरुण ने बताते हुए कहा, I remember I went for this trial and Salman bhai was standing outside. He was in shorts and a ganji and I called him Salman uncle and he got very upset. He said, I'll slap you, call me bhai, call me Salman bhai, from you call me uncle, I won't allow you inside the theater. I don't care if it's your dad's way. And from then I started calling him Salman bhai. वरुण धवन स्टारर फिल्म जुड़वा 2 का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसमें वरुण डबल रोल में दिखाई दे रहे हैं। बेबी डॉल सनी लियोनी भले ही पॉर्न इंडस्ट्री से आई हो, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में भी ऐसे लटके झटके दिखाए हैं कि हर कोई उनका दीवाना हो गया है। सनी लियोनी अपने शरीर के एक खास अंग का बीमा करवाना चाहती हैं। सनी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। आपको जरूर ये सवाल सता रहा होगा कि आखिर सनी लियोनी अपने शरीर के किस अंग का बीमा करवाना चाहती हैं। वैसे तो पूरी की पूरी सनी लियोनी ही इतनी हॉट है कि उनका ही बीमा करवाना जरूरी है, लेकिन सनी को अपना एक अंग बेहद खास लगता है। सनी को जब पूछा गया कि आखिर वो किस अंग का बीमा करवाना चाहेंगी, तो सनी ने बेहद सोचकर इस बात का जवाब दिया कि उन्हें अपने शरीर का सबसे खूबसूरत अंग उनका चेहरा लगता है, तो वो अपने इसी बॉडी पार्ट का बीमा करवाना चाहेंगी। प्रेग्नेंट होना किसी भी औरत के जीवन का सबसे खुशनुमा पल होता है। सिर्फ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी मिसकैरेज के बुरे दौर से गुजर चुकी हैं। आइए डालते हैं एक नज़र। काजोल। काजोल पहली बार 2001 में प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान कुछ दिक्कतों की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया था। शिल्पा शेट्टी। राज कुंद्रा से साल 2009 में शादी के कुछ महीनों बाद ही खबर आई कि शिल्पा शेट्टी प्रेग्नेंट है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पहले बच्चे के जन्म से पहले ही शिल्पा का मिसकैरेज हो गया। किरण राव खान। 2009 में आमिर खान की वाइफ किरण अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन किरण का मिसकैरेज हो गया। 2011 में बेटे आजाद का जन्म IVF सर्जरी के जरिए हुआ। डिम्पी गांगुली। डिम्पी महाजन ने राहुल महाजन से शादी कर ली, हालांकि 2011 में डिम्पी जब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उनका मिसकैरेज हो गया था। फरदीन खान की वाइफ नताशा। 2012 में फरदीन की वाइफ नताशा प्रेग्नेंट थी, लेकिन बाद में नताशा का मिसकैरेज हो गया। KRK हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया है कि वो सुर्खियों में आ गए हैं। KRK ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का एक निजी मैसेज ट्वीट कर दिया है, जिसके बाद खुद बिग बी को इस बात की सफाई देनी पड़ी है कि उन्होंने किस कारण से वो मैसेज KRK को भेजा था। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन ने उस मैसेज में क्या लिखा था। आप बॉक्स ऑफिस सफलता के मापदंड बन गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये भविष्यवाणी सही साबित हो। इस मैसेज को KRK ने ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद खुद बिग बी ने इस बात की सफाई दी कि ये मैसेज उन्होंने KRK को क्यों भेजा था। जवाब में उन्होंने लिखा, ये मैसेज मैंने KRK को तब भेजा था जब उन्होंने मेरी सरकार 3 का ट्रेलर देखकर ये कहा था कि ये ट्रेलर वाकई बेहतरीन है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी। खैर, KRK के इस ट्वीट से एक बात तो साफ जाहिर है कि अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म सरकार 3 का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है। KRK हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया है कि वो सुर्खियों में आ गए हैं। KRK ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का एक निजी मैसेज ट्वीट कर दिया है, जिसके बाद खुद बिग बी को इस बात की सफाई देनी पड़ी है कि उन्होंने किस कारण से वो मैसेज KRK को भेजा था। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन ने उस मैसेज में क्या लिखा था। आप बॉक्स ऑफिस सफलता के मापदंड बन गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये भविष्यवाणी सही साबित हो। इस मैसेज को KRK ने ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद खुद बिग बी ने इस बात की सफाई दी कि ये मैसेज उन्होंने KRK को क्यों भेजा था। जवाब में उन्होंने लिखा, ये मैसेज मैंने KRK को तब भेजा था जब उन्होंने मेरी सरकार 3 का ट्रेलर देखकर ये कहा था कि ये ट्रेलर वाकई बेहतरीन है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी। खैर, KRK के इस ट्वीट से एक बात तो साफ जाहिर है कि अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म सरकार 3 का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है।
अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।